राष्ट्रपति, जी हाँ, केंद्र का प्रमुख या हम कहें कि देश का प्रमुख, वह व्यक्ति या वह पद जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति वह महत्वपूर्ण पद है जो बार बार सुर्खियों में बना रहता है। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम के आयोजन के बाद अब राष्ट्रपति के अंगरक्षक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। तो दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूं गीतांजलि। आज के हमारा सेशन क्या होगा, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों पर ही आधारित होगा कि आखिर वे कौन होते हैं, कौन सी रेजिमेंट होती है, कैसे वे कार्य करते हैं और उनका मुख्य कार्य क्या होता है और कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा विषय क्या होगा। विषय है कौन होते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक। तो अभी हाल ही में जो सेरेमनी आयोजित की गई है राष्ट्रपति भवन में, उसके तहत राष्ट्रपति मुर्मू जी ने यहाँ पर एक सिल्वर ट्रम्पेट और यह बैनर यहाँ पर प्रोवाइड किया है। किसे दिया है? अपने अंगरक्षकों को दिया है। तो इस वजह से यह सेरेमनी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे कहा जाता है सिल्वर ट्रम्पेट सेरेमनी, जो कि राष्ट्रपति भवन में ही ऑर्गेनाइज की जाती है। तो अभी इसका हाल ही में संचालन किया गया, इसे ऑर्गेनाइज किया गया, इस समारोह का आयोजन हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने इन्हें यह प्रोवाइड किया। यहाँ पर खासियत क्या है इनके अंगरक्षकों की, क्योंकि यह अंगरक्षक की जो रेजिमेंट है वह भारत की सबसे पुरानी सेना की रेजिमेंट के रूप में भी जानी जाती है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले की खबर क्या है, फिर इसके बाद कौन कौन सी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यह खबर क्या है, किस न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, फिर कि यह आखिर सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसकी चर्चा में बने रहने का क्या कारण है, फिर जानेंगे कि राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वह कैसे सबसे पुरानी रेजिमेंट है, फिर जानेंगे इसके पूरे इतिहास के बारे में, कब इसकी शुरुआत की गई, कैसे इसके नाम में परिवर्तन हुआ, फिर राष्ट्रपति के अंगरक्षक कौन होते हैं, क्या खासियत या क्या विशेषताएं होती है उनकी, अंत में देखेंगे यह जो पूरी सेरेमनी हुई है जिसमें वे सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रोवाइड किया गया है या उन्हें जो प्रदान किया गया है, जिन्हें देकर उन्हें सम्मानित किया गया है, आखिर वह सेरेमनी क्या है और यह बैनर क्या है। इसके बाद इस पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर क्या है और यह खबर कहाँ से ली गई है। यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज पेपर्स में प्रकाशित की गई थी। यह हमने द इंडियन एक्सप्रेस से इस खबर को यहाँ पर लिया है। खबर क्या है, हु आर द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एंड व्हाट आर द सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड कौन है और ये जो अभी हाल ही में सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर यहाँ पर सुर्खियों में रहा है वह क्या है, इसे ही आज के सेशन पर हम देखेंगे। तो उसके बाद देखें कि यह सुर्खियों में क्यों आ गया है। तो अभी हमने चर्चा भी की कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट को सम्मानित किया है। कैसे सम्मानित किया है, तो उन्होंने उन्हें एक सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है और इसके जरिए उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि यह सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और इसके साथ ही यह राष्ट्रपति के स्पेशल गार्ड के रूप में कार्य करती है, जिन्हें राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में भी जाना जाता है, यानी प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड, जो कि काफी स्पेशल मानी जाती है, इसलिए PBG के बारे में आज के सेशन पर हम चर्चा करेंगे और इसीलिए यह जो पूरा मुद्दा है यहाँ पर चर्चा में आ गया है। तो आइए अब देखते हैं, हमने तो जाना ये सुर्खियों में क्यों है, अब हम देखेंगे कि यह कैसे सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, यानी अब देखेंगे कि सबसे पुरानी रेजिमेंट इसे क्यों कहा जाता है। यदि हम देखें, भी हमने बात भी की PBG के बारे में, यानी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के बारे में, तो यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट होती है और यही राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में भी जानी जाती है। और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का मुख्य कार्य क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति की रक्षा करना या उनकी सुरक्षा में तैनात रहना, ये इनका मुख्य कार्य है। तो इनकी शुरुआत कब की गई थी, 1773 में इनकी शुरुआत की गई थी, तब इन्हें गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों के रूप में लाया गया था। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें 1773 में लाया गया था। कब शुरुआत हुई थी, जब वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो पैदल सैनिक थे उन्हीं में से उनका चयन किया गया था। पैदल सैनिकों में से चयन करके उन्हें गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों के रूप में लाया गया था। इसीलिए जब यह एक अलग रेजिमेंट बना दी गई तो इसी रेजिमेंट को आगे यहाँ पर भारतीय सेना में भी शामिल कर लिया गया, जिन्हें बेहतरीन तरीके से घुड़सवारी सिखाई जाती है, जिनकी कद काठी और विशेष रूप से उनकी कद काठी अच्छी मानी जाती है, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है।
तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी रेजिमेंट है ये, कि इसे गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों के रूप में शामिल किया गया था और तब से यह आज तक चला आ रहा है। फिर बाद में इन्हें वायसराय के अंगरक्षकों के रूप में जाने जाने लगा। उसके बाद यह क्रम चलता आया। और यदि हम बात करें कि सबसे पहले इस रेजिमेंट की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो सबसे पहले रेजिमेंट का गठन बनारस, ये जो कि अभी हाल ही में जैसे वाराणसी के रूप में जाना जाता है, उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। यदि बात करें कि शुरुआत में इनके जो घोड़े हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता था और कितने सैनिक इसमें शामिल किए गए थे, तो इन्होंने इसके लिए मुगल्स हॉर्स को यहाँ पर लाया था और इन्हीं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया था, ट्रेंड किया था। इन्हें इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि हवाई हमलों में भी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर सकें। यानी अभी वर्तमान लेवल पर यदि देखें तो इन्हें पैरा ट्रूपर्स के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाता है, ऐसे ट्रेन किया जाता है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए किसी भी लेवल पर ये उन्हें वहां पर सुरक्षित कर सकें। इसके उदाहरण ऐसे भी देखे गए हैं कि इस रेजिमेंट के कुछ सैनिकों को सियाचिन जैसी जगहों पर भी वहां पर ट्रेंड किया गया है और यहाँ पर उन्हें तैनात किया गया है। तो हमने देखा कि सबसे शुरुआत में इसे कहाँ पर शुरू किया गया था, इसको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था और इन्होंने इस रेजिमेंट का गठन किया था शुरुआत में कहाँ पर, बनारस में इसका गठन किया गया था। और इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि ये हर प्रकार के हमलों से उनके वहां के जो मालिक है, जिस व्यक्ति की अंगरक्षक है, उनकी ये रक्षा कर सकते हैं। यह रेजिमेंट ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों का उत्तराधिकारी है। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, हमने देखा कि शुरुआत में 1773 से ये प्रक्रिया चली आ रही है अंगरक्षकों वाली। तो ये एक तो ये पुरानी रेजिमेंट हो गई। दूसरा, चूंकि इसकी शुरुआत कब की गई थी, गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों के रूप में की गई थी, तो अब यह प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। तो ये गवर्नर जनरल के जो अंगरक्षकों का उत्तराधिकारी है, वह निरंतर इसी रेजिमेंट से चयन किया जाता है इनका। तो इसलिए इस रेजिमेंट को क्या कहा जाता है कि गवर्नर जनरल के उत्तराधिकारी के रूप में यह रेजिमेंट आज भी कार्य कर रही है। इसका नाम परिवर्तन करके अब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में इसे दे दिया गया है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें, तो इतिहास में अभी हमने देखा कि 1773 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनकी शुरुआत की थी, इनकी स्थापना की थी। कहाँ से की थी? वाराणसी से की थी। और इनमें 50 सैनिकों को शामिल किया गया था, जिसमें मुगल हॉर्स इसमें शामिल थे। दरअसल इन घोड़ों की खास विशेषताएं भी हैं, क्योंकि इन्हें खास जर्मन ब्रीड के घोड़े इसमें शामिल किए जाते थे, जो काफी तेज रफ्तार से दौड़ते थे, जिनकी यहाँ पर कदकाठी काफी अच्छी होती थी, उन्हीं को इसमें चयनित किया जाता था। यदि देखें कि शुरुआत में जो ये 50 सैनिक थे, जिन्हें तैयार किया गया था, जिन्हें ट्रेंड किया गया था इतने बेहतरीन तरीके से हॉर्स के साथ, तो इन्हें किसने ट्रेंड किया था? तो उस समय दो सरदारों का नाम आता है जिन्होंने इन्हें ट्रेंड किया था। कब? 1760 में, जिसमें एक सरदार का नाम है मिर्जा शाहबाज खान और दूसरे हैं सरदार खान तारबेग। तो इन दोनों ने इन्हें ट्रेंड किया था, इन 50 सैनिकों को। फिर बाद में गवर्नर जनरल की ताकत को और बढ़ा दिया गया, अंगरक्षकों की इन ताकत को और बढ़ा दिया गया, जिसमें 50 सैनिकों को और बाद में शामिल कर लिया गया। और ये किसने प्रोवाइड कराया था? तो बनारस के राजा थे चेत सिंह, इन्होंने इन 50 सैनिकों को और प्रोवाइड कराया और इनकी ताकत बढ़ाकर 100 हो गई, यानी कुल 100 सैनिक इसमें आ गए थे। ये उसी वर्ष की बात है, यानी 1760 में ही इसमें 100 सैनिक शामिल कर लिए गए थे। तो ये हमने देखा कि इनकी कैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, अंगरक्षकों की संख्या बढ़ते बढ़ते ये एक रेजिमेंट के रूप में काम करने लगा। तो ये थी इसके इतिहास की कुछ बातें, जिसमें और भी बिंदु शामिल हैं, जिसमें यदि देखें कि पहले, यानी स्वतंत्र भारत के पहले की बात की जाए, जब शुरुआत यहाँ पर की गई थी इस रेजिमेंट की, तो उस रेजिमेंट के पहले कमांडर कौन थे? कैप्टन स्वीनी टून, और इनके यहाँ पर अधीनस्थ थे लेफ्टिनेंट सैमुअल ब्लैक। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि पहले कमांडर कौन थे, तो आप याद रखिएगा कैप्टन स्वीनी टून थे, जिनके अधीनस्थ कौन थे? लेफ्टिनेंट सैमुअल ब्लैक। समय बीतने के साथ ये जो पूरा जो रेजिमेंट तैयार किया गया था, यानी जिसे वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के रूप में जाना जाता है, तो समय बीतने के साथ इनके टाइटल्स भी बदलते रहे। यानी जैसे ही गवर्नर जनरल के अंगरक्षक थे तो उन्हें गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के रूप में जाना जाने लगा। फिर जैसे ये वायसराय के अंगरक्षक बने, तो इन्हें वायसराय के अंगरक्षक के रूप में जाने जाने लगा। और जब ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक बने, तो इन्हें राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में जाने जाने लगा। और सन 1950 में इन्हें राष्ट्रपति के अंगरक्षक, यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। कब? स्वतंत्र भारत के बाद। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि पहली बार किस दिन इन्हें प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के रूप में कहा गया या जाना जाने लगा, इनका नाम परिवर्तन किया गया, तो 27 जनवरी 1950 को रेजिमेंट का नाम बदलकर राष्ट्रपति के अंगरक्षक कर दिया गया था।
यहाँ पर जानने वाला एक रोचक किस्सा यह भी है कि शुरुआत में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय एक मग्घी थी, जो अभी भारत के राष्ट्रपति को आपने देखा भी होगा कि भारत के राष्ट्रपति एक मग्घी से चलते हैं जिसमें विशेष तौर के एक अच्छी ब्रीड के घोड़े भी शामिल होते हैं आगे, और उस मग्घी में स्वर्ण जड़ित कुछ नक्काशी भी की गई है। तो दरअसल जब भारत स्वतंत्र हो रहा था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय उस मग्घी को लेकर भी लड़ाई हुई थी कि दरअसल वह मग्घी जो कि वायसराय या गवर्नर जनरल उसमें चला करते थे, वह मग्घी किसे दिया जाए, पाकिस्तान को या भारत को। तो दरअसल दोनों देशों के बीच में उस समय टॉस हुआ था और वह टॉस भारत ने जीता था, इसलिए वह मग्घी आज भी भारत के पास है और भारत के राष्ट्रपति उस मग्घी के द्वारा चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, हालांकि बीच में ऐसा भी देखा गया कि भारत के राष्ट्रपति बुलेट प्रूफ कार से चलने लगे थे, लेकिन वापस से प्रणब मुखर्जी ने इसे फिर से शुरू शुरू किया और वे वापस से उस मग्घी का चलन उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे लेकर भी काफी रोचक किस्सा है जिसे हमने अभी इस बारे में डिस्कस भी किया। यदि बात करें कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दरअसल होते कौन है, तो ये बेहतरीन घुड़सवार होते हैं जिन्हें जो विशेष कदकाठी के होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाता है। इसकी विशेष इनकी खासियत क्या होती है, विशेषताएं क्या है इनकी, कि इनको इनमें ऐसे पुरुषों का चयन किया जाता है जिनकी हाइट अब 6 फीट हो। शुरुआत में इनकी हाइट 6.3 फीट रखी गई थी, यानी ऐसी हाइट वाले व्यक्ति को ही इसके लिए यहाँ पर चुना जाता था और उन्हें ट्रेंड किया जाता था, इन्हें घुड़सवारी सिखाई जाती थी, हर तरीके से राष्ट्रपति की कैसी रक्षा की जा सकती थी इन्हें ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। 6 फीट के हाइट के व्यक्ति को ही इस पद के लिए या राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के लिए यहाँ पर चुना जाता है। इन रेजिमेंट की जवानों की खास विशेषताएं क्या है कि इनके पास मजबूत घोड़े होते हैं, यानी जो भी रेजिमेंट में शामिल होता है उसकी व्यक्ति की खास हाइट होती है, उसकी विशेष कदकाठी होती है, उसे विशेष ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर तैयार किया जाता है, उनके पास मजबूत घोड़े होते हैं। इन घोड़ों की खास विशेषताएं क्या है, या तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया या जर्मन ब्रीड के ये घोड़े होते हैं और ये मिक्स ब्रीड के होते हैं जिनकी हाइट काफी ऊंची हो, यानी इनका वजन और हाइट दोनों सामान्य घोड़ों की तुलना में ज्यादा हो, ऐसे ही घोड़ों को इसमें शामिल किया जाता है। और यदि हम बात करें कि इन घोड़ों की स्पीड कितनी देखी जाती है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो घोड़ा दौड़ सकता है उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। भारतीय सेना में केवल इन्हीं घोड़ों के बाल लंबे रखे जाने की यहाँ पर परमिशन है, यानी यही घोड़े ही अपने बालों को, या भारतीय सेना में ऐसे ही घोड़ों के बालों को यहाँ पर लंबा रखा जा सकता है। यदि देखें कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के रेजिमेंट के पहले कमांडेंट कौन थे, भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उसके बाद की यदि बात करें तो उसमें पहले कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह। तो यह भी एक तथ्य है जिसे आप याद रख सकते हैं। ये तो हमने बात की राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के बारे में कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे सिल्वर ट्रम्पेट के बारे में और ट्रम्पेट बैनर के बारे में। तो यदि हम सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर के बारे में देखें तो दरअसल यह जो भारतीय रेजिमेंट है वह सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट है जिसके पास यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति उसे सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान कर रहा है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा सिल्वर ट्रम्पेट और यह ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने का विशेषाधिकार भारतीय सेना की एकमात्र इसी सैन्य इकाई के पास प्राप्त है, जिसे स्पेशल रेजिमेंट के रूप में भी जाना जाता है और अब इसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्हें ही यह विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी, दरअसल सिल्वर ट्रम्पेट क्यों दिया जाता है, यह बैनर होता क्या है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, क्योंकि अंगरक्षकों का यह रेजिमेंट खासतौर पर तैयार किया जाता था, इन्होंने बेहतरीन कार्य भी किए थे उस समय पर गवर्नर जनरल को बचाने के लिए या वायसराय को बचाने के लिए। तो जब इस रेजिमेंट को बने 150 वर्ष हो गए थे, तो 150 वर्ष की सेवा जब इन्होंने पूरी कर दी थी तो इसके बाद इस रेजिमेंट के जो भी अंगरक्षक हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए ही सिल्वर ट्रम्पेट दिया जाता था और सिल्वर बैनर इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। यानी वर्ष 1923 में वहां पर तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, इन्हीं के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। लॉर्ड रीडिंग ने बॉडीगार्ड के 150 वर्ष की सेवा पूरी करने के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है, यानी गवर्नर जनरल, वायसराय, उसके बाद अब यहाँ पर चूंकि अब राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं, तो बाद में जैसे ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ती गई तो अब भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ पर इन अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर देकर उन्हें सम्मानित करते हैं और उन्हें भेंट प्रदान करके यह पूरा एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे अभी राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर आयोजित भी किया गया था। यदि इस बैनर की बात करें कि इस बैनर में क्या होता है, तो इस बैनर में राष्ट्रपति का मोनोग्राम होता है,
यानी इस पूरे बैनर में जो लाल कलर का बैनर आपने देखा था शुरुआत में, उसमें राष्ट्रपति का मोनोग्राम होता है। जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ पर बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो वह बैनर उन्हें अगले अंगरक्षकों को यहाँ पर भी प्रोवाइड कराते हैं या देते हैं। यदि बात करें कि पहले इसमें क्या बना होता था, तो इस बैनर में पहले यानी औपनिवेशिक युग में हथियारों का एक कोड बना होता था, लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद राष्ट्रपति का इसमें मोनोग्राम बना दिया गया और यही इस पूरे बैनर में भी दिखाई देता है। यह हमने बात की सिल्वर ट्रम्पेट के बारे में। यदि देखें कि भारत में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार सिल्वर ट्रम्पेट या ट्रम्पेट बैनर किसने प्रोवाइड किया था और कब प्रोवाइड किया था, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1957 को राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को ये सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया था, और भेंट करने के साथ ही अंगरक्षकों को यहाँ पर उन्होंने सम्मानित किया था। तो ये हमने देखा पूरा सेशन उनके अंगरक्षकों के बारे में, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के बारे में, और देखा कि उनका चयन कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। आप देखेंगे आज के सेशन पर आधारित एक सवाल। सवाल क्या है? राष्ट्रपति के अंगरक्षक को 1773 में किस गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के रूप में लाया गया था, या इस रेजिमेंट की शुरुआत जो 1773 में की गई थी वह किस गवर्नर जनरल के द्वारा यहाँ पर की गई थी? आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। शुक्रिया।